कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ईद स्पेशल शुरकुमा मेरे स्टाइल में। मेरे व्यूअर्स लोगों की फरमाइश थी कि आप अपने स्टाइल में कैसे शुरकुमा बनाते हैं वो हमें बताइए। तो चलिए, और ये शुरकुमा माशाल्लाह इतना अच्छा बनता है ना कि जबरदस्त। जो मैं बनाती हूँ वो उसकी बात कर रही हूँ, है ना आपी? हाँ। मैं बहुत बेहतरीन शुरकुमा बनाती हूँ। जब ईद के दिन बनाती हूँ तो मेरे बच्चे लोग बहुत खुशी खुशी वो शुरकुमा पीते। इंशाल्लाह आप लोग भी मेरा देख कर बनाएंगे तो आप लोगों की भी फैमिली में सब लोग शुरकुमा पसंद करेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। ईदी तो जरूर मिलेगी आप लोगों को, है ना आसिफ? हाँ। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, शुरकुमे में लगने वाली सारी चीजें मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं है, कमी है, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा के बताऊंगी। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ली हूँ सेवई। यहाँ पर मैं 1 लीटर का शुरकुमा बना रही हूँ। 1 लीटर में कितनी चीजें लगेगी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सेवई ली हूँ, ये देखिए एकदम जरी सी सेवई है। उसी के साथ में मैंने यहाँ पे ली थी 6 से 7 खजूर। खजूर को मैंने हल्के गुनगुने दूध में भिगो के रखी थी। भिगो के रखने के बाद में 1 घंटा मैंने भिगोई थी, ये अच्छी तरह से फूल गए। फूलने के बाद में मैंने उसकी बीज निकाल दी और इसे इस तरह से मैंने कटिंग कर ली। यहाँ पे मैंने ली थी कम से कम 20 से 25 पिस्ते ली थी मैंने। उसे भी मैंने गर्म पानी में भिगो के रखी थी, उसका कवर उतार ली और उसे मैंने इस तरह से कटिंग कर ली। यहाँ पर मैंने ली थी बादाम। बादाम मैंने ली थी 10 से 12 मैंने बादाम ली थी। बादाम को भी मैंने हल्के पानी में गुनगुने हल्के पानी में भीगने रखी थी। बादाम का भी मैंने छिलटा उतार ली और इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर ली। यहाँ पे मैंने 10 से 12 काजू ली थी। काजू को भी मैंने थोड़ा भिगो दी थी। भिगो के हम काजू को काटेंगे ना तो काजू का शेप भी अच्छी तरह से आता है लंबे लंबे में। यहाँ पे मैंने ली हूँ थोड़ा सा चारोली, ये देखिए चारोली को मैंने कुछ नहीं की हूँ। चारोली को मैं खाली भून लूंगी, हल्का सा भून के मैं इसे हाथों से ऐसे जैसे हम सेंगदाना करते हैं ना, सेंगदाने का कवर उतारते भून के, वैसे हमें इसे भून कर निकाल देना इसका कवर। यहाँ पे हमें लगेगा देसी घी, प्योर देसी घी का इस्तेमाल करना। इसमें शुरकुमा बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है। यहाँ पे मैं लूंगी मिल्क मेट, क्या ये लिखा है, अमूल मिल्क मेट, अमूल मिल्क मेट लेंगे। यहाँ पे हमें थोड़े से 3 से 4 केसर के रेशे भी लगेंगे। साथ ही में हम 1/4 से भी कम हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। और यहाँ पे मैंने ली हूँ जो चाय का छोटा चम्मच होता है ना, चाय पत्ती हम शक्कर जो डालते हैं वो चम्मच से मैंने ली हूँ कम से कम 6 चम्मच शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। हो गई सारी चीजें बताकर। सबसे पहले हम दूध गर्म कर लेंगे। तो एक बर्तन में मैं दूध को ऐड कर दूंगी। जिस बर्तन में आप दूध गर्म करने वाले हैं उस बर्तन को अच्छी तरह से धो लेना और हो सके तो उसमें हल्का सा पानी डाल के एक बार उस पानी को बॉईल कर लेना। बॉईल करके उसे खंगाल के उस पानी को फेंक देना। इससे क्या होगा, क्या वो बर्तन अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। इसे मैं थोड़ा सा पानी डाल के खंगाल के यूज करूंगी। और फुल फैट दूध लेना, जितना आप जितना फुल फैट दूध यूज करेंगे उतना अच्छा ही आपका शुरकुमा बन के रेडी होगा, है ना सिर्फ? हाँ। मम्मी का शुरकुमा कैसा बनता है? मस्त एकदम। अच्छा बनता है ना? मस्त। चलिए, इसे हम गर्म के लिए रख देते हैं और इसके अंदर हल्का सा पानी डाल के खंगाल की थैली का पानी भी इसमें ऐड करेंगे। गैस जला लेंगे और इस बर्तन को इस गैस के ऊपर रख देंगे। अभी जब तक का दूध में उबाल नहीं आता है, जब तक हम दूध को अच्छी तरह से पका लेंगे और बीच बीच में हम 1-2 बार इसके अंदर चम्मच मारते रहेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर दूध में अच्छी तरह से उबाल आने लगा है। अभी जैसे ही दूध में उबाल आने लगेगा तो हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे शक्कर।
तो मैंने पहले भी बता दी थी कि शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और हम मिल्क मेड डाल रहे हैं तो शक्कर को थोड़ी कम ही डालना, क्योंकि शक्कर और मिल्क मेड दोनों भी मीठा होता है। मैं इसमें से थोड़ी शक्कर बचा लूंगी, जरूरत लगेगी तो मैं ऊपर से शक्कर डाल सकती हूँ। शक्कर डालने के बाद में फिर हम इसमें उबाल ले लेंगे। कम से कम हमें इसे 10 मिनट तक का मीडियम गैस पे पका लेना है। जितना अच्छा हमारा दूध पकेगा उतना ही अच्छा शुरकुम्मे में टेस्ट आएगा। चलिए, जब तक का हमारा दूध इधर 10 मिनट तक का पकते रहेगा, हम सारे ड्राई फ्रूट और सेवई को घी में फ्राई करके ले लेंगे। चलिए, एक तरफ मैंने पैन रखी हूँ गर्म होने के लिए, उसमें मैं डाल दूंगी घी एक, दो। जैसे कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी घी को यूज कर सकते हैं। अगर आपको कम करना है तो कम करना, ज्यादा डालना है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, मगर एकदम भी कम मत यूज करना तो मजा नहीं आएगा। जितना ड्राई फ्रूट और घी जितना ज्यादा रहेगा उतना ही इसे पीने का मजा आएगा, है ना आसिफ? बराबर हाँ, बोली ना मैंने बराबर। अब मम्मी के हाथ का शुरकुमा कैसे बनता है? मस्त बनता है, एक नंबर। एक बार पीते रहेंगे तो पीते रह जाएंगे, पीते ही रह जाएंगे, माशाल्लाह। और सबको अपनी माँ के हाथ का, दादी के हाथ का, नानी के हाथ का शुरकुमा पसंद ही आता है। ये बहुत बड़ी खासियत है। और देखिए, आज मैं शुरकुमे को कितनी भी मेहनत करके बना लूं, कितना भी दूध को पका लूं, कितने ड्राई फ्रूट डाल दूं, मगर वो मजा नहीं आएगा जो मजा ईद वाले दिन आएगा। ईद वाले दिन अगर तुम दूध को सिर्फ पका के उसमें सिर्फ शक्कर और सेवई भी डाल देंगे ना, तो उसमें भी वो मजा आएगा क्या पूछो मत। वो टेस्ट और वो लज्जत वो ईद वाले दिन की अब नहीं आएगी, है ना? हाँ। वो ईद के दिन ही आएगी। वो ईद के दिन ही आपको बिरयानी खाने का मजा आएगा और ईद के दिन ही आपको शुरकुमे का मजा आएगा। अब तुम ईद के बाद चाहे, मैं ऐसा कभी कभी बनाती हूँ घर में ईद के बाद में भी शुरकुमा, मगर वो टेस्ट और वो मजा नहीं आता है। आप लोग कमेंट में मुझे बताना जरूर कि मैंने सही बोली थी, है ना आसिफ? हाँ। चलिए, घी जैसे ही अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे सेवई। आंखों से थोड़ा इसे दबा देंगे और सेवई डाल देंगे। एकदम ज्यादा घी को गर्म करके सेवई को मत ऐड करना, नहीं तो हमारी सेवई जो है ना वो जल जाएगी। एकदम ध्यान से सारा काम आपको करना है। ईद का दिन रहेगा, घाई सबको रहती है, बच्चे नमाज जाने वाले होते हैं, हस्बैंड नमाज जाने वाले होते हैं, हमें रेसिपी भी बनाना होता है, सारी तैयारी हम लेडीजों के हाथ में होती है। इसीलिए सारी चीजें ध्यान से और अपना ध्यान रख के करना। मेरा घी ज्यादा गर्म हो गया था तो मैंने गैस को कर दी स्लो, यानी बंद कर दी थी मैंने। अब इसको मैं अच्छी तरह से हल्का सा भून लूंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि सेवई जो आती है अभी मार्केट में जो सेवई आने लगी है वो भुनी हुई आती है, तो ज्यादा हमें भूनने की जरूरत नहीं है, है ना आसिफ? बराबर बोली ना मैंने? बराबर। चलिए चलिए, अभी मैं क्या करूंगी, इसी के अंदर पिस्ता डाल दूंगी। गैस को एकदम स्लो कर दूंगी, बादाम डाल दूंगी, काजू डाल दूंगी, खजूर भी हम ऐड करेंगे। अगर आपको पसंद है तो थोड़े से किशमिश भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से सारी चीजें डाल के मैंने मिक्स कर ली हूँ। यहाँ पे देखिए, चारोली को मैं क्या करूंगी, बीचों बीच डाल दूंगी। ये चारोली को मैंने तवे पे डाल के अच्छी तरह से भून ली, भून के इसका सारा कवर उतार ली। बोलने में मैं अटक रही हूँ ना आसिफ? हाँ, थोड़ा 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 ना, कोई बात नहीं, होता है होता है। इंसान सुबह से उठ के शाम तक का आवाज देना, ये वीडियो में वो वीडियो में, तो थोड़ा इंसान डगमगा जाता है। बराबर, है ना? हाँ। रोजे की हालत में भी रहती हूँ, रोजे में भी रहती हूँ, फिर काम रहता है सर के ऊपर इतना सारा मेरे। अभी कितने बज रहे? अभी बज रहे हैं एक, रात के एक बजे मैं शुरकुमा बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये वीडियो कल अपलोड होना करना है मुझे, और उसके बाद में फिर कल इफ्तारी भी रहेगी, तो इफ्तारी बनाती रहूंगी तो फिर ये शुरकुमा का वीडियो रुक जाएगा। इसके लिए अभी इसे बनाकर मैं दे दूंगी तो बच्चे लोग पी भी लेंगे, खत्म भी हो जाएगा, फिर आगे का दूसरा भी काम मेरा चलते रहेगा, है ना आसिफ? हाँ। चलो,
यहाँ पे देखिए हमारा दूध भी अच्छी तरह से पक के घट हो चुका है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। मस्त अभी ये सारा ड्राई फ्रूट उठा के इसके अंदर हम ऐड करेंगे। देखिए मैं कैसे करती हूँ आपको बता दी। यहाँ पे थोड़ा और करारे कर लू मैं। जितने करारे रहेंगे उतना खाने में मजा आते जाएगा आपको। करारे मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी रहेंगे तो मुंह में आते हैं ना कर 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 तो मजा आता है। गैस को बंद कर दी। चलो बिस्मिल्लाह बोलकर डालेंगे हम। आराम से डालेंगे एकदम। माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस आप लोग माशाल्लाह जरूर बोलना। ये सेवई और ड्राई फ्रूट डालने के बाद में हम इसे पका लेंगे। अब इसके अंदर मैं डालूंगी गैस को थोड़ा स्लो कर देंगे। अभी मैं इसके अंदर डालूंगी आधा डब्बा मिल्क मेट का। पूरा नहीं ऐड करूंगी सिर्फ आधा ही ऐड करूंगी। साथ ही में मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर खुशबू के लिए। उसी के साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा केसर, ज्यादा नहीं एकदम ज्यादा सा। मस्त है ना सिर्फ। हाँ मस्त दिख रहा है ना। मस्त। अभी इसे हम सिर्फ 2 मिनट पका लेंगे कि हमारी जो सेवई है वो अच्छी तरह से इसके अंदर पक जाए। उसके बाद इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे शुरकुम्मे में अच्छी तरह से उबाल आने लगा है। अभी इसके अंदर की सेवई भी अच्छी तरह से पक चुकी है। सारे ड्राई फ्रूट का भी इसमें टेस्ट उतर चुका है, जैसे बोलते हैं ना पूरा फ्लेवर उतर चुका है। और मैंने केसर डाली थी, केसर का भी फ्लेवर इसमें उतर चुका है। इलायची पाउडर का केसर फ्लेवर उतर चुका है। अभी ये पूरा मस्त एकदम अच्छे से पक गया है। अभी कर देंगे हम गैस को बंद और इसे रखेंगे 5 मिनट तक का खुला। इसके ऊपर हम ढक्कन नहीं रखेंगे, ढक्कन हम इसे 5 मिनट बाद रखेंगे। 5 मिनट के बाद में मैं इसे ढक दी थी और इसे हल्का सा ठंडा होने दी। उसके बाद में हम इसे गर्मा गर्म थोड़ा एकदम भी ज्यादा ठंडा ठंडा मत पीना। हल्का सा गर्म रहेगा ना तो पीने में भी मजा आएगा है ना। और शुरकुमा स्टार्टिंग में आप बनाएंगे तो ज्यादा पका पका के घट मत कर देना। तो ये क्या होगा क्योंकि हम जब जब इसे गर्म करेंगे कम से कम दिन में 3 बार तो आप शुरकुमे को गर्म करना। एक बार तो हम सुबह में इसे पका लेते हैं, फिर दूसरी बार हम इसे दोपहर में एक बार गर्म कर लेना, फिर शाम को एक बार गर्म कर लेना। जितना आप इसे गर्म करते जाएंगे उतना ही ये घट होते जाएगा और इसका जो मजा है वो डबल दुगना बढ़ते जाएगा है ना सिर्फ। हाँ चलिए अभी मैं आपको पूरा सर्व करके आराम से बताती हूँ। तो माशाल्लाह इधर पे शुरकुमा बनकर रेडी हो चुका है। कितना खूबसूरत लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। गाइस आप लोग ये वाला शुरकुमा ईद के मौके पे जरूर बनाना और अपनी फैमिली मेंबर में भी मेरी रेसिपी शेयर करना, अपने दोस्तों में भी मेरी रेसिपी शेयर करना। और आप लोग जब भी बनाएंगे तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फोटो खींच के जरूर भेजना कि मैं अपनी स्टोरी पे रख सकूं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है afrozshek95 है ना सिर्फ। हाँ। और गाइस आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में रमजान ईद मुबारक है ना। और मेरी फैमिली की तरफ से भी आपको एडवांस में रमजान ईद मुबारक। आसिफ तू भी बोल। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में और एक अच्छे ब्लॉग के साथ में।